हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल में आपका स्वागत करती हूँ। और एमएससी प्रीवियस से आप सबको कोरोना वायरस के चलते डायरेक्ट प्रमोट कर दिया है एमएससी फाइनल में। एमएससी प्रीवियस अब आपका खत्म हो गया है और फाइनल की क्लासेस जो है वो आपके स्टार्ट होंगी। और इस बार अभी कोरोना वायरस के चलते हम ऑनलाइन क्लासेस ही आपके स्टार्ट कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें दो मेथड्स लिए हैं। एक तो हम YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे और दूसरा हमने WhatsApp ग्रुप बनाया है और WhatsApp ग्रुप भी बन गया है। WhatsApp ग्रुप के ऊपर जो है जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे उसका PDF फॉर्म के अंदर आपको टेक्स्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो हम अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस के अंदर जिस तरह से आपने दो सेमेस्टर्स के अंदर स्टडी की, सेमेस्टर वन और टू, एमएससी फाइनल के अंदर हमारे फिर से दो सेमेस्टर हमको पढ़ने हैं, थर्ड सेम और फोर्थ सेम। दो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ हम पढ़ेंगे। दोनों ही सेमेस्टर्स के अंदर चार चार पेपर्स हैं। सेमेस्टर थ्री के अंदर भी चार पेपर और सेमेस्टर फोर के अंदर भी चार पेपर्स आपको पढ़ने हैं। और ये चार पेपर्स जो सेमेस्टर थ्री के अंदर हम पढ़ेंगे उनका सिलेबस भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है और मैं थोड़ी सी आउटलाइन उनकी आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से चार पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, सॉरी सेमेस्टर थर्ड के अंदर, वो है प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर है और मेटाबॉलिज्म है इसमें। प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में सेकंड पेपर जो है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तीसरा पेपर आपका है जो है वो है जनरल इकोलॉजी का। कौन सा है? जनरल इकोलॉजी। तो ये तीन पेपर जो हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये कंपलसरी पेपर होते हैं, हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ता है। चौथा पेपर जो होता है इसको हम कहते हैं स्पेशल पेपर। क्या कहलाता है ये? स्पेशल पेपर। जबकि प्रीवियस में ऐसा नहीं होता था, प्रीवियस में चारों ही पेपर सभी बच्चे पढ़ते थे। तो तीन पेपर इसमें कॉमन है सभी बच्चों के लिए और चौथा पेपर जो है स्पेशल पेपर जो है इसके अंदर हमारे यहाँ पर दो पेपर्स हैं। राजऋषि कॉलेज के अंदर दो पेपर्स हैं, एक तो है एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी, दूसरा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड एरिड जोन इकोलॉजी। इस पेपर का चयन आपको रिजल्ट आने के पश्चात करना होता है। कौन से पेपर का? स्पेशल पेपर का। तो ये स्पेशल पेपर जो है मेरिट कम चॉइस बेसिस के ऊपर मिलता है। बच्चों को हम कह देते हैं कि आप जो है हमें चॉइस लिख कर दे दो कि आप कौन सा पेपर प्रेफरेंस से लेना चाहते हैं। एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी का लेना चाहते हैं या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पेपर आप लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे प्लांट पैथोलॉजी का पेपर भर देता है कोई बच्चा, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो कम है, तो उस केस के अंदर जो उसके ऊपर वाले परसेंटेज के बच्चे हैं और प्लांट पैथोलॉजी लेना चाहते हैं उनको हम प्लांट पैथोलॉजी का पेपर देंगे और उसे हम प्लांट पैथोलॉजी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसकी परसेंटेज कम है। परसेंटेज प्लस या मेरिट प्लस चॉइस बेसिस के ऊपर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद से हम आपके जो है ऑप्शन मांगेंगे, फिर आपको इसका पेपर अलॉट किया जाएगा कि कितने बच्चों को एडवांस प्लांट पैथोलॉजी मिला और कौन कौन से बच्चे हैं जिनको कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी मिला। इसके बाद में चूंकि मैं एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाती हूं फाइनल में, प्रीवियस के अंदर भी मैंने आपको जो है एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी वाला पेपर पढ़ाया था
उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर फाइनल के अंदर मैं आपको एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी वाला पेपर पढ़ाऊंगी। इस पेपर को अर्चना मैडम और जगतपाल सर भी आपको पढ़ाएंगे। तो सिलेबस आपको सभी सब्जेक्ट्स का उपलब्ध करवा दिया है। कुछ टॉपिक्स जो एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर, मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो कि एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है उनके बारे में थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूंगी। तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्रीवियस में भी ये टॉपिक था तुम्हारे, लेकिन प्रीवियस के अंदर ज्यादातर बच्चे जो है इसको पढ़ते नहीं है। हिस्ट्री सबको बहुत बोरियत लगती है इसको, हिस्ट्री को पढ़ने में, तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको चॉइस में छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये आपका लास्ट सेमेस्टर ऐसा है जिसमें कि ये इनकॉर्पोरेटेड है सिलेबस के अंदर। अगर अभी भी आप इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर इसको आप कभी नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए अब की बार हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और जरूर पढ़ना है ताकि ये टॉपिक जो है हमारे पाठ्यक्रम से कभी स्किप हम ना करें। तो हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है प्लांट डिजीजेस जो हैं वो भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो है पैथोजेंस के कारण होती हैं और कैसे कैसे उनकी खोज की गई। स्कोप के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है जिसके कारण कि हमें प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ना चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी जो है वो क्या होता है, एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आप पढ़ चुके हो, तो प्लांट पैथोलॉजी आप सबको पता है कि क्या होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स की बीमारियों से संबंधित जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में भी, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आप नई सीखोगे, बहुत सारे टर्म्स आप जानोगे नई जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट चीज जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज जो होती है वो पैथोजेंस के कारण होती है। तो पैथोजन फैक्टर्स एंड होस्ट फैक्टर्स, और उसके लिए एक होस्ट भी होना चाहिए पैथोजन, अकेला तो कोई बीमारी नहीं करेगा। पैथोजन जो है किसी होस्ट पर है ना, किसी होस्ट के ऊपर, होस्ट सबको पता है कि जिसके ऊपर पैथोजन रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के ऊपर जाकर डिजीज करता है पैथोजन, एंड होस्ट फैक्टर्स जो होते हैं डिजीज डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, उनको भी हम पढ़ेंगे कि पैथोजन के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज कर सकते हैं, और होस्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको डिजीज्ड बनाने में जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक पैथोजेंस के बारे में। बायोटिक पैथोजेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, जिनके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो डिजीजेस होती हैं वो कहलाते हैं सारे बायोटिक पैथोजेंस। तो इसमें हम सब के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, निमेटोड के बारे में, सब पैथोजेंस के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनसे कि बीमारियां होती हैं उनके बारे में कि वो कैसे बीमारी करते हैं, कौन कौन से रोग कारक पैथोजेंस हैं किस ग्रुप के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही डिजीज नहीं क्रिएट करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डिजीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं सारे के सारे। कौन से आ जाते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, रेनफॉल भी आ जाएगा, ह्यूमिडिटी भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर्स में जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आएगा वो है, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो है सोइल फैक्टर्स।
क्या है ये? सोइल फैक्टर्स। सोइल फैक्टर्स के अंदर भी जो है, सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो जाती है कई बार, तो मिनरल्स की कमी होने के कारण प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण वो जो है बीमार हो जाता है। तो कौन कौन से सोइल फैक्टर्स हैं? सोइल के अंदर पीएच भी एक कारण होता है, मिनरल्स की उपलब्धता एक कारण है, जैसे उसी तरह से पीएच भी जो है सोइल फैक्टर है जो कि डिजीजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, सोइल फैक्टर्स हो गए, पोल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरमेंट में, वो भी बहुत सारी डिजीजेस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूटेंट्स। तो ये सारे जो होते हैं नॉन पैरासिटिक डिजीजेस कहलाती हैं। इनके द्वारा जो डिजीजेस होती हैं ये नॉन पैरासिटिक डिजीजेस कहलाती हैं, जिसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। क्या कहलाती हैं ये? नॉन पैरासिटिक डिजीजेस, जो कि बिना पैरासाइट के होती है वो क्या कहलाती हैं? नॉन पैरासिटिक डिजीजेस, जो कि अबायोटिक फैक्टर्स के कारण होती है। आपके सिलेबस में भी है नॉन पैरासिटिक डिजीजेस का टॉपिक, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एक टर्म आपने सुनी होगी, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम किसको कहते हैं? कोई भी पैथोजन, कोई भी रोग कारक किसी भी रूप में जो डिजीज करता है, उसका जो भाग जो है वो डिजीज करता है, उसको हम कहते हैं इनोक्यूलम। दूसरी चीज होती है इनोक्यूलम पोटेंशियल। आजकल जो है कोरोना वायरस चल रहा है, और इसलिए हमको सबको पता है कि कोरोना का इनोक्यूलम क्या है, वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस COVID-19। तो इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है? इनोक्यूलम की एक निश्चित मात्रा जो होती है वही अगर उपलब्ध होगी नेचर के अंदर या होस्ट की सरफेस के ऊपर, तभी वो डिजीज कर सकता है। अगर उसकी मात्रा कम होगी या अधिक होगी तो उससे कोई भी बीमारी होस्ट के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। तो पर्टिकुलर मात्रा होस्ट के अंदर पैथोजन की इनोक्यूलम पोटेंशियल कहलाती है। इनोक्यूलम पोटेंशियल जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग तरह से परिभाषा करी है, तो इसको हम अलग से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल ये टर्म्स जो आपके लिए नई है, इनका क्या मतलब है, इतना ही इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। इसके बाद में एपिफाइटोटिक्स। एंड फोरकास्टिंग, ये दो नए शब्द आपके डिक्शनरी में और ऐड हो गए जो कि पहले नहीं थे। एपिफाइटोटिक्स एंड प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। एपिफाइटोटिक्स क्या होता है? जैसे कि आजकल कोरोना वायरस जो है वाइड स्प्रेड हो गया, सब जगह फैला हुआ है, तो इस तरह से अगर कोई बीमारी जो होती है वो सब जगह फैल जाती है, तो उसका वाइड स्प्रेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एपिफाइटोटिक हो गई, ज्यादा एरिया के अंदर जिस सारे एरिया को कवर कर लेती है, तो उसको हम एपिफाइटोटिक्स कहते हैं। और फोरकास्टिंग, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी डिजीज को, प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं या किसी अन्य जीव के अंदर जो बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण वो होती हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं इनको रिसर्च स्टेशंस होते हैं, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन, वहां पर इन फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बीमारी है, उसके लिए मॉइस्चर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए। अगर वो पहले से हमें मालूम है और वो टेम्परेचर और वो रेनफॉल या वो ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑब्जर्व की जा रही है, तो रिसर्च स्टेशन वाले ये फोरकास्ट कर देते हैं, ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बीमारी जो है निकट भविष्य में इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होने वाली है, और फार्मर्स जो है इससे अपने फसल को बचाने के प्रयास करें, इस पैथोजन
में केमिकल स्प्रे करें या किसी अन्य तरह से जो है जैसे भी इसको बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश करें। तो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग जो है ये एक अलग टॉपिक है, अभी फाइटोटिक्स जो है वो एक अलग टॉपिक है जो कि आप इसके अंदर पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई भी बीमारी जो होती है, मैंने अभी बताया था कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम में आते हैं, इनमें एनवायरमेंट के फैक्टर्स, एनवायरमेंट का क्लाइमेट का टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसके अंदर जो है पीएच जो है सोइल की, उसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी, तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी बीमारी होगी और कौन सी बीमारी नहीं होगी। तो इसको भी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को उदाहरणों के साथ, बीमारियों का उदाहरण लेते हुए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेसिस्टेंस एंड प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस, प्लांट डिजीज ससेप्टिबिलिटी, रेसिस्टेंस एंड प्लांट डिजीज ससेप्टिबिलिटी। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पैथोजन होता है लेकिन उनमें बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको की बीमारियां नहीं होती हैं या कम होती हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रेसिस्टेंस वेराइटीज होती हैं जिनके अंदर कोई बीमारी पर्टिकुलर पैथोजन से नहीं होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर की पैथोजन जो होता है वो उनको बीमार कर देता है और वो उस बीमारी के लिए ससेप्टिबल होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर रेसिस्टेंस के लिए और ससेप्टिबिलिटी के लिए, उनको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। होस्ट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स रेसिस्टेंस के लिए और ससेप्टिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत सारे हमको पढ़ने हैं। प्रोटेक्टिव एंड डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मतलब किस तरह से प्लांट्स अपने आप को सुरक्षित करता है या कोई किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और किस तरह से जो है अपने आप को डिफेंड करता है जब कोई पैथोजन उसके ऊपर आ जाता है। इसमें फिजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, केमिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लांट पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर किस तरह काम करती है उसको भी पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हम मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी या जीन्स इत्यादि के द्वारा किस तरह से प्लांट्स के अंदर बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी का कुछ पार्ट बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो सब हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है हमारा पाठ्यक्रम है मेन जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, और इसके अंदर आप देख रहे हो हमको बायोटेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी होनी चाहिए, हमें माइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, एनवायरमेंट भी इसके अंदर आ गया। तो ये कोई भी साइंस का विषय जो होता है वो अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम प्लांट पैथोलॉजी तो जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम विज्ञान की अन्य शाखाओं का भी सहयोग ले रहे हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब इस पेपर को पढ़ने के लिए जो आपने प्रीवियस के अंदर बुक्स ली थी पीडी शर्मा की बुक, वो भी काम आएगी आपको, बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो, इस सिलेबस में काम आएगी। आरएस सिंह की किताब है आपकी, दो वॉल्यूम आते हैं इसके, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और दूसरा आता है प्लांट डिजीजेस। तो ये इस सेमेस्टर में ये वाली बुक काम में आएगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में ये वाली प्लांट डिजीज वाली बुक काम में आएगी। मेहरोत्रा एंड अग्रवाल की किताब है,
नेक्स्ट एग्रियोज की बुक है और एक बुक है आपके मानी। ये आपका एक टॉपिक जो कि इन सब टॉपिक्स से डिफरेंट है, गोल्स, ये भी आपके सिलेबस में है जो कि इस मानी की बुक में मिलेगा आपको और इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। गोल्स मतलब क्या होता है? ट्यूमर। क्या होता है ये? ट्यूमर्स। प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट्स के द्वारा बहुत तरह के ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर इंसेक्ट गोल्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये एक टॉपिक ऊपर रह गया था बताने से, गोल्स भी आपको पढ़ना है और इसके लिए मानी की बुक जो है वो आपको रेफर करनी है। इसके अलावा जब आप आएंगे डिपार्टमेंट तो आप जो है इसके लिए टार की बुक देखिएगा, हॉर्सफॉल एंड डायमंड है, इसके वॉल्यूम्स आते हैं, उन्हें भी आप देखिए और पढ़िए। और एक बुक के अंदर पूरा सिलेबस कभी भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ टॉपिक्स किसी बुक में अच्छे मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स दूसरे बुक में अच्छे मिलते हैं, तो आपको अलग अलग बुक्स को रेफर करके ही इस पेपर को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये है एक आउटलाइन जो है आपका पाठ्यक्रम जो एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी का है उसके बारे में। थैंक यू।